अक्सर अजकल दे नौजवानों नू लाउड म्यूजिक सुनते हुए देखा जा सकता है ते हर समय उन्हां दे कन्नां दे विच ईयरफोन या हैडफोन लगे भी दिखाई देंदे ने। ते अक्सर इह वी गल देखी जांदी है कि नौजवान अक्सर सब तो ज्यादा समां मोबाइल फोन दा इस्तेमाल करदे ने ते या तां फिर तुहानूं उह उसदे उपर फिल्म वेखते हुए नजर आ जाणगे या फिर कोई ना कोई रोचक गेम दे विच रुझे हुए। इह सब हुण आम हो चुक्या है पर इन्हां कारणां करके हुण नौजवानां नूं सब तो ज्यादा सुनने संबंधी समस्यावां भी पेश आ रही ने जिसके कारण इसके मरीज लगातार पीजीआई दे ईएनटी विभाग दे विच पहुंच रहे ने। उधर जदों पीजीआई दे ईएनटी विभाग दे प्रोफेसर संजय मुंजाल दे नाल इस समस्या दे संबंध दे विच गलबात कीती गई तां उन्हां दस्या कि सब तो ज्यादा नौजवानों नूं अजोके समय दे विच सुनने संबंधी समस्यावां पेश आ रही ने ते इसका सब तो वड्डा कारण है मोबाइल फोन ते इसका सब तो ज्यादा इस्तेमाल करना। उन्हें भी दसे कि जेकर लोग 2 घंटे तो ज्यादा रोजाना मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे ने ता इस दे नाल उन्हां नूं सुनन संबंधी समस्या पेश आ सकती है। आज वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जा रहा है जिसका उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना कि हमें हमारी हियरिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे बचाया जा सकता है। जो कान में सन की आवाज़ आती है इसके कई कारण हैं। सबसे ज़्यादा कारण जो है आजकल है मोबाइल फ़ोन। हम मोबाइल फ़ोन का अगर 2 घंटे से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हर रोज़ तो उससे हमारे जो हियरिंग के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं और उसका एक तरह से ये सन की आवाज़ आना एक वार्निंग सिग्नल है। तो इसलिए जब भी सन की आवाज़ आए या कोई सीटी की आवाज़ आए तो आपको ये वार्निंग है कि आपके कानों में कुछ बदलाव आ रहा है। देखिए अगर कान में से खून निकला है तो इसका मतलब है कि कान में कोई ना कोई इंजरी हुई है। तो उससे उसका इलाज यह है कि ENT में दिखाएं और पता करवाएं कि ये ब्लड क्यों आ रहा है, खून क्यों आ रहा है। ये हो सकता है कान के बीच वाले हिस्से में आए अब से आए या कान के अंदर वाले हिस्से से आए। जब ENT सर्जन इसको देखेगा तो ही बता पाएगा कि कहाँ से ये खून आ रहा है और उसी हिसाब से उसका इलाज किया। सबसे ज़्यादा हमने देखा है जो आजकल लोग आ रहे हैं वो यूथ हैं जिन जो रिपोर्ट करते हैं कि हमारे कानों में शांशा की आवाज़ आ रही है, सीटी की आवाज़ आ रही है और इसका कारण है मोबाइल फ़ोन यूसेज। मोबाइल हमारा एक दिनचर्या का पार्ट बन गया है। हम हर टाइम मोबाइल यूज़ करते हैं लेकिन हमने अपनी स्टडी में देखा कि अगर 2 घंटे प्रतिदिन से कम करें तो वो सेफ लिमिट में कहा जा सकता है। उससे ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे चेंजेस आते हैं हमारे हियरिंग स्टेटस में और ये उसके वार्निंग साइंस हैं कि शीशा की आवाज़ आएगी या टीटी की आवाज़ आएगी। एक तो जैसे मैंने बताया कि जब आपके कान में टिनिटस या शोर की आवाज़ आए या जब आप लोगों से बात कर रहे हो और आपको बार बार कहना पड़े उनको कि दोहराओ आपने क्या कहा, इसका मतलब है कि आपकी हियरिंग में चेंजेस आ रहे हैं। एक कारण जो मोबाइल के अलावा देखा गया है वो भी मोबाइल से ही रिलेटेड ही है, वो है ईयरफोन्स का यूज़ करना। हम गाने सुनते हैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ से और या ट्रैफिक नॉइज़ है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल हम बिना बात पे हॉकिंग करते हैं, जो हॉकिंग की साउंड होती है या हम जब हम गाने सुनते हैं वो 85-90 डेसिबल से ऊपर होती है जो हमारी एक सेफ लिमिट जो हेयरिंग की है उससे ज़्यादा आवाज़ है और उस आवाज़ से हमारे ईयर्स को नुकसान होता है। पहले हम मानते हैं कि 60 साल के ऊपर जो है वो हमारी सुनवाई जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है लेकिन आजकल देखा गया है कि क्योंकि नॉइज़ लेवल्स हम जो हम एक्सपोज होते हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि ये अब लोग 40s में भी आना शुरू कर दिए। जो अब 60s में आते थे लोग वो अब 40 साल की उम्र में भी आने लग गए हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा कि अगर हमारे यूथ सारा दिन ईयरफोन्स डालकर हेडफोन्स डालकर ऊंची आवाज़ में गाने सुनेंगे या बातें करेंगे तो हो सकता है 20 साल में भी लोग यहाँ हमारे पास पहुँचना शुरू हो जाए। ये जो आवाज़ है जो मैंने कारण अभी बताए, अगर ये इस कारण है इन कारणों से आवाज़ की में सुनने में कमी आ गई है तो वो इरिवर्सिबल होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने कानों को बचाओ क्योंकि एक बार ये लॉस हो गया तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए हमें ज़्यादा ऊंची आवाज़ों से बचना चाहिए ताकि हम अपने कानों को ज़्यादा देर तक सुरक्षित रख सकें और यही वर्ल्ड हियरिंग डे का एक मैसेज है। पहले समय विच ये देखा जाता सी कि जिवें जिवें लोकां दी उम्र दे विच वाधा हुंदा है या ओह बुढ़ापे दे वल वधदे ने तां उन्हां नूं सुनने संबंधी समस्या पेश आउणी शुरू हो जांदी सी पर हुण अजोके समय दे विच 40 दी उम्र दे विच ही लोकां नूं हियरिंग संबंधी समस्यावां पेश आ रहियां ने। उधर दूजे पासे प्रोफेसर बुंजाल ने भी नौजवानां नूं फोन दा इस्तेमाल ज्यादा ना करन दी सलाह दित्ती है।
ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ENT ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।